दोस्तों ड्रामा सीरियल कफारा जो कि होने वाला है बहुत ही जल्दी एंड, और हम देखेंगे कि किस तरह से सालार और सितारा की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर हो रही है और साथ ही साथ किरण और निमित दोनों को मिल रही है अपनी किए की सज़ा जो उन्होंने किया था सितारा के साथ, अब वापस पलट कर आ रहा है उन्हीं के पास। यानी निमी जिसने किया था सितारा के किरदार पर दागदार और अब उसी की भाभी कर रही है निमी के किरदार को दागदार। यहाँ पर हो गया मकाफाते अमल जो कि हकीकत है, आप किसी के साथ बुरा करोगे तो वापस पलट कर अपनी बारी का इंतज़ार भी करना। यहाँ पर सितारा जो कि सालार को समझाएगी कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी इज्जत बने, मेरी इज्जत रहे और अगर मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, मैं आपकी वाकई में बीवी हूँ, आप मुझे निकाह करके लाए हैं तो साबित करें, यहीं पर रहकर घर छोड़कर नहीं। घर छोड़ना कौन सी अक्लमंदी की बात है, आप तो शुक्र करें आपके पास माँ बाप हैं, ये रिश्ते हैं, आखिर यहाँ पर आप क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। सालार का बाप जो कि सुन लेगा ये सारी बातें और काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे सितारा से, सितारा की बातों से, और वो ये सोचेंगे कि वाकई में हमारी बहू कितनी अच्छी है। तो वो ये दिल में बातें सोचेंगे और अगले दिन जब सालार की माँ कोई बात करेगी सितारा से तो कह देंगे कि जितना हक यहाँ पर मेरी बीवी का है उतना ही हक मेरे बेटे की बीवी का भी है। ये बातें जब सुनेंगे सालार की माँ तो एकदम से हो जाएंगे हैरान कि आखिर इनको क्या हो गया, क्या जादू कर दिया है सितारा ने इनके ऊपर। तो यकीनन सितारा किसे इंप्रेस तो हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर सालार जो कि बात करने जाएगा जुनेद से कि आखिर सितारा मेरा साथ क्यों नहीं दे रही, मैं तो उसकी इज्जत की खातिर घर छोड़ कर भी जाने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर जो जुनेद बातें करता है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिटी होती है। वो कहता है कि जो बहू घर की तलखियाँ बर्दाश्त करती है वही बाद में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है। यहाँ पर साहिबा जो कि ये सालार से कि छोड़ दो सितारा को क्योंकि उसने तुम्हारा बदल दिया है लाइफस्टाइल। और यहाँ पर सितारा जो कि याद करके रोती है जुएब को, क्या करेगा सालार, क्या जाएगा जुएब से मिलने के लिए, यहाँ पर क्या होगा आगे जाना है। तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब और पास पर बेल आइकन को कर दें प्रेस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट।